भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित डॉक्टरों की संस्थान IMA के अध्यक्ष सहित कई डॉक्टर पहुंचे। मृतका की पहचान 23 वर्षीय मुनिका कुमारी जो लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा गाँव की रहने वाली के रूप में हुई है। घटना बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी के यहाँ घटी है। डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। वहीं परिजनों ने रोते रोते कहा कि मेरी बच्ची चल कर आई थी, मेरी बच्ची की जान ले ली गई। मृतका की सास ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इलाज कराने के लिए पहुंची थी, वहीं लगभग 2:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। मृतका की सास ने बताया कि मेरी बहू 8 माह की गर्भवती थी, जिसका इलाज शुरुआत से ही यहां चल रहा था। आज जब सुबह बहू को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाने के लिए कहा था, वहीं नर्सों के द्वारा सलाइन चढ़ाया गया। जब हालत बिगड़ने लगी तो नर्स को कहें कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन नर्स के द्वारा डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद अचानक से उसकी सांस रुकने लगी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी सांस रुक चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। सब दिन नहीं सोच ले, हम तो जाने ना चला था। यहाँ आशा को जाने पर छह जानकारी आसान लेके लो ले। अच्छा ही लेके। हाँ, और सब दिन इलाज यहाँ चले ले, सब दिन। तो सरकारी अस्पताल लेके जाए चाहे प्राइवेट। हाँ, सरकारी में कनघट नहीं होता हो छत, प्राइवेट चलो लिए की। की बोली काल लेको आशा यहाँ। कल का की खाली कमजोरी छे, चल अल्ट्रासाउंड करा के देखिल बाबू कैसनो छे, तो होए घरी दिक्कत नहीं होते। आशा के भी कुछ ले, कुछ पैसा उसा के बात। नहीं कुछ नहीं, कुछ ना घर के गांव को आशा के कुछ ना, ओकरा कोई दिक्कत नहीं छे। मौत होले यहाँ के वजह से, डॉक्टर के वजह से, लापरवाही से। लड़की सब आजकल सर आप देखिएगा सगरे वही मोबाइल में बिजी है, मोबाइल में बिजी है। देखिए सर, देखिए मैडम, देखिए मैडम, मैडम क्या देखेगी, ऐसे होता है तो ऐसे हो गया। तुरंत मेरा रोगी चिल्लाया, तुरंत आकर के खोल देती तो नहीं होता, लेकिन नहीं खोली। मेरा रोगी चिल्लाया तो खा के खोल के ना बोला कि गैस लगा, ऐसे हुआ, ऐसे होता है, गैस लगता है तो होता है। मामला ये है कि लापरवाही कारण मेरा पत्नी का डेट हो गया और सवेरे 10 बजे लमसम में आया है। यहाँ आने कारण आया तो उसके बाद उसको बोला कि भाई जांच होगा, जांच में अल्ट्रासाउंड लिखा गया, अल्ट्रासाउंड करवाए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देखा मैडम, तो रिपोर्ट देखने के बाद बोला सब चीज़ नॉर्मल है, अभी समय है 1 महीना का डिलीवरी होने में। और उसको दवाई लिखा, 3 इंजेक्शन दिया, उसके बाद बोला सलाइन चलेगा। तो हम लोग बोले सलाइन क्या जरूरी, बोला नहीं कमजोर है सलाइन चढ़ा दीजिए। तो बोले ठीक है चढ़ा दीजिए, सलाइन लगाया, 2-4-10 मिनट मोटा मोटी सलाइन गया होगा। उसके बाद पेशेंट मेरा अकबकाने लगा, मतलब दूसरे का करने लगा। तो उसको बोले मैडम को, तो बोला कि मैडम की गैस हो लगता है, दवाई से हो गया है, हो जाएगा ठीक, ऐसे होता है। कौन थी आप? है मेरा वाइफ है। कारण कुछ नहीं है सर, पेशेंट मेरा ठीक है, पेशेंट को मतलब कमजोरी सब महसूस हो रहा था। तो बोले भाई डिलीवरी पेशेंट है, तो भाई चलो दिखा देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चीज़, क्या लगता है? ये लगता है हाँ, लापरवाही, बुरा पूरा लापरवाही के लिए प्रकार मेरा पत्नी का जान गया है। आज आया थे करण कुमार। वही आरोप लगाते हुए सास ने कहा कि यहाँ पर सरासर इलाज में लापरवाही बरती जाती है। यह मेरी बहू की दूसरी डिलीवरी होनी थी, वह बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी कमजोरी थी जिसको लेकर हम लोग दिखाने आए हुए थे। मेरी बहू चल कर आई और डॉक्टरों ने इसकी जान ले ली। वहीं जब परिजनों के द्वारा क्लिनिक पर बवाल काटा गया तो डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी ने इसकी सूचना IMA को दी, जिसके बाद IMA के अध्यक्ष सहित शहर के कई डॉक्टर वहाँ पहुँचे। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गयी, जिसके बाद वो दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और मामला को शांत कराने की कोशिश की। काफी दम फूल रहा था उसका, प्रेगनेंसी में जनरली गैस से दम फूलता है, हम लोग मान के चलते हैं। तो बस उसको एक फैंटॉक का इंजेक्शन, गैस का जो होता है वो इंजेक्शन दिए, और उसके बाद हम लोग सोचे कि अगर ज्यादा गैस बना तो एक सलाइन देते हैं। सलाइन जैसे ही ये सेट किए ही नहीं थे कि उसका दम फूलने लग गया, तो हम लोग उसको रोक करके ये किए, क्या कहते हैं, डेलिफाइन डेक्सोना जो होता है लाइफ सेविंग ड्रग, वो सब दिए। उसके बाद से देखे पेशेंट सीरियस हो रही है, तो वही आप ठीक है। आप थी या नर्सों के द्वारा किया गया? हम वहीं पे खड़े थे, अब तो छोटा सा तो क्लिनिक है, बगल में ही खड़े थे। कौन? चूंकि डिज्नी जा रहे थे तो हम खड़े थे वहीं पे। किस तरह का इंजेक्शन दिया गया था? तो गैस का एक इंजेक्शन, पैंटॉप होता है, आता है जो। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि मैडम वहाँ पर नहीं थी, वो तो साफ तौर पर आपके छोटा सा तो क्लिनिक है, छोटा सा तो क्लिनिक है, तो गए और भी पेशेंट OPD सब रहता है ना। तो पहला इशू कहाँ हुआ सर? वो बोले कि डॉक्टर प्रीतिक यहाँ। आपने कहा पहला इशू यही हुआ? चूंकि वो चेकअप यहाँ कराती थी, ध्यान अब इतना पेशेंट होता ध्यान नहीं था,
क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला तक? तो निकला कि हो सकता है डिस्निया कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा, तो सडनेस जो है मैडम पूरा हो रहा है क्या आपके अभी भी जो है जो क्लिनिक की जो भी कमरे अस्पताल बना के रखे हैं मानक पूरा कर रहे हैं? तो छोटा सा ओपीडी केस था वो, एक एक कमरे में देख रहे हैं 3-4 पेशेंट नहीं, वो अटेंडेंट सब है, वो अटेंडेंट है, उतना पेशेंट है उस तरह का अटेंडेंट सब है, अटेंडेंट नहीं बगल वाले कमरे में तो देख रहे हैं। कमरे की तस्वीर जो बयां कर रही है उसको कैसे देखते हैं? अटेंडेंट सब भी है, एक पेशेंट के साथ 2-3 अटेंडेंट होता है मैनेजर अस्पताल का, रिलेशन है तो ओपीडी का पेशेंट था। जो आपके पास स्टाफ है वो ट्रेंड है या अनट्रेंड है? कहाँ से सब बैठ है, मतलब नर्सिंग कॉलेज का उसके पास डिग्री वगैरह है या इसी तरह पहुंचे बात? सिंपल छोटा सा क्लिनिक है तो मैडम मौत हुई है, इसको केस सिंपल मत समझिए, इसकी मौत हुई है आपके यहाँ, इसको बहुत छोटे से तरीके से आप देख रही हैं। कहा जा रहा है आशा केस था, वो तो ओपीडी केस था, आशा लेकर के आई हुई थी? नहीं तो ओपीडी केस था ये, तो आशा यहाँ कैसे लेके आती है? आशा तो उसको अस्पताल लेके जाता, मैं तो पुराना पेशेंट भी थी इसलिए आशा 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 से कांटेक्ट, आशा से कोई मतलब नहीं था इसका। वो तो बता रही है कि आशा लेके आई है, वो तो अलग क्वेश्चन है ना, वो तो आपसे क्वेश्चन कर रही। अच्छा आपने मदद मांगी थी आईएमएस के ग्रुप में, किस तरह की मदद मांगी थी? तोड़ फॉर्मर चाह रहा था ना पेशेंट, इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? जो डॉक्टर्स हैं आईएमएस में, वहाँ पुलिस है क्या ग्रुप में समूह में? पुलिस भी आई है, पुलिस आई है समूह में, आपने मदद मांगी तस्वीर तो वीडियो बनी हुई है मैम, कहीं पर तो कुछ तोड़ फोड़ की बात नहीं हो रही। आपने कंप्लेंट किया है क्योंकि तोड़ फोड़ हुई है, कहाँ तोड़ फोड़ हुई है आपके क्लिनिक में? तोड़फोड़ का मतलब क्या, जान चला जाए किसी का? तोड़फोड़ क्या मतलब, विंडोज हो, दरवाजे हो, कुर्सी टेबल हो, उसे तोड़ना चाहिए। क्या 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 चाह रहे थे कि तोड़फोड़ हो जाए, पूरा पूरा खराब हो जाए? तोड़फोड़ मचा तभी ना पुलिस को कॉल किए, तोड़फोड़ कर रहा था ना, दिखना चाहिए था मैम तोड़फोड़ में, तोड़फोड़ में तब ना पुलिस डर से ना पुलिस को कॉल किए, डर गए तब ना पुलिस को कॉल किए। क्या हुआ पूरा, क्या क्या निकला निष्कर्ष, क्या निकला अब क्या होने? निष्कर्ष तो देखिए क्या, हम तो डरे हुए हैं पूरा, कैसे केस आदमी ले, एक ओपीडी कैसे चलाए, डॉक्टर कैसे काम करे, क्लिनिक रिक्शे के पैडल से चले, ऑटो चालक ओपीडी का तो मानक भी पूरा नहीं होता है आपके इस क्लिनिक में, हाँ कहीं कोई फायर सेफ्टी का ये सब यंत्र भी नहीं लगा? नहीं, लगा हुआ है, सीज फायर लगा हुआ है, नहीं कोई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है आपकी छुट्टी बहुत कुछ बताती है मैडम, ऐसे बताती है कि अब हम लोग केस नहीं ले, अब हम लोग नहीं ले सकते है केस को, केस काम नहीं कर सकते हैं, कोई डॉक्टर काम ना करे, पेशेंट प्राइवेट में काम ना करे, कैसे करेंगे? जैसे यही साबित होता है ना कि हम लोग कोई काम ना करें, किसी को ट्रीटमेंट ना करें। वहीं आईएमए के सदस्य डॉक्टर बिहारी लाल ने कहा कि मृतिका के परिजनों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, जो भी सही फैसला होगा वो लिया जाएगा। इस पूरे मामले के बाद आईएमए के सदस्य मृतक के परिवार को समझाने के बाद परिवार वाले समझ गए और बिना कोई मामला दर्ज कराए सबको लेकर अपने घर चले गए। पेशेंट जो है वो 8 मंथ का प्रेगनेंसी था और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा डिस्ट्रेस में थी तभी तो डॉक्टर के यहाँ आई थी और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स अंदर होगा और प्रेगनेंसी में बहुत तरह का फिजियोलॉजिकल और बाद में जा करके पैथोलॉजिकल शरीर में मतलब कि कुछ कुछ चेंजेज आता है और हो सकता है और जिसकी कि जो है वहाँ तक पहुँचने के पहले ही ये जो सिंपल एक गैस की सिर्फ दवाई दी गई है, एक पानी चढ़ाया गया और इसी के दौरान जो है अचानक पब्लिक
हम तुम्हारे ही बात बोलेंगे, तुम्हारे ही बात बोलेंगे। हम एक गलत जो तुम बोली हो वही बात बोल रहे हैं। सर सर क्या और कुछ बताया चढ़ाया गया और पेशेंट का अटेंडेंट जब बाद में रिपोर्ट किया कि पेशेंट की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो इसी दौरान जो यही बस इतना ही का गैप है कि डॉक्टर साहब को ये लोग बुलाए, उस वक्त जो है आने में जो थोड़े बहुत देरी हुई और तब तक जो है मृत्यु हो गई। यानी किसके द्वारा जो ये सुई का बात हो रही है कि सुई दी गई इसके बाद ही तीन सुई पड़ी इसके बाद डेथ हो गई। देखिए डॉक्टर कोई भी सुई देता है तो बचाने के लिए डॉक्टर तो सुई नहीं दिया रही है, तो नर्स की बात हो रही है। कोई भी डॉक्टर अपने से सुई नहीं देता है, लिखते है डॉक्टर सुई देती है। जो भी स्टाफ यहाँ ट्रेंड है सर, यहाँ ट्रेंड है, ये तो यहाँ का व्यवस्थापक बताएगा। हम व्यवस्थक नहीं, हम तो आईएमए की तरफ से ये घटना सुने, आईएमए से मदद भी मांगी गई थी, मदद मांगी गई, उसी के तहत हम लोग डॉक्टर लोग एक डॉक्टर को अपना जो है मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं और हम लोग हर तरफ से सहानुभूति भी प्रकट करते हैं। ये तो हमारी एरिया की है, पेशेंट का जो है माँ है, क्या निष्कर्ष क्या अलीगंज से आए हैं और पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये अलीगंज से आई है, वो तो हमारे एरिया की है, हमारा सिंपैथी मेरी संभावना ऑलवेज इनके साथ है। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है तो डॉक्टर लोग भी इस मामले में हमको लगता है कि कोई ऑपरेशन होता है या और कुछ होता तो डायरेक्ट लापरवाही नजर आती, सिर्फ जो है दवाई देने से हुआ है और इतना जल्दी जान जाना ये थोड़ा सा लगता है कि बात है। हो सकता है कि दवाई भी रिएक्शन हो, एक मिनट, हो सकता है कि दवाई भी रिएक्शन हो। चूक हुई है, मानते हैं ना सर कि चूक हुई है? नहीं नहीं, ये हम इसको चूक नहीं मानेंगे। ये एक मिनट मेरी बात समझा जाए, अगर रिएक्शन कोई भी दवाई खाइएगा तो आप उसको टेस्ट करके नहीं खाते हैं, आप तो खाते हैं तब पता चलता है कि रिएक्शन हुआ, इसमें चूक नहीं हुआ। ये तो दवाई मार्केट में गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, दवाई घर में खाई गई है सर, या क्लिनिक की बात हो रही है? ये क्लिनिक की बात हो रही है और वो सारी रजिस्टर्ड मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर का है। निष्कर्ष क्या निकल के आया निकला? देखिए निष्कर्ष तो इसमें कुछ नहीं है, मेरी बात समझा जाए। निष्कर्ष तो मान लीजिए अगर ये केस करेंगी तो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आएगा, इसके पहले हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो डॉक्टर ही हमने, एक मिनट, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही फिर बिस्तरा का जांच होगा, ये होगा किस कारण से डेथ हुआ, ये तो आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता चलेगा। लंबा प्रोसेस में जाएगा, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और ये होगा, और बाकी जो बचा कि समाधान तो इनकी पुरानी पेशेंट भी है, वहाँ तो रेगुलर दिखाई है। अब ये दोनों का अपनी वास्तविक में अपना रिलेशन, परिचय दे दीजिए सर अपना, आप परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर बिहारी लाल हुआ, मैं जो है आईएमए की तरफ से आया हुआ हूँ और हमारे साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट भी आए हुए और लोग भी आए हुए, कई डॉक्टर आए हुए। हमने, एक मिनट, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही फिर दूसरा का जांच होगा, ये होगा किस कारण से डेथ हुआ, ये तो आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता चलेगा। लंबा प्रोसेस में जाएगा, डेड बॉडी को आखिर समाधान पोस्टमार्टम होगा और ये होगा, और बाकी जो बचा कि समाधान तो इनकी पुरानी पेशेंट भी है, वहाँ तो रेगुलर दिखाई है। अब ये दोनों का अपनी वास्तविक में अपना रिलेशन, परिचय दे दीजिए सर अपना, आप परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर बिहारी लाल हुआ, मैं जो है। सावन का पावन महीना चल रहा है, वहीं सुल्तानगंज से देवघर जाने के बीच कच्ची कांवरिया पथ पर एक 10 साल की बच्ची दंडवत प्रणाम करते हुए अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम जा रही है। वहीं जो कोई भी इस बच्ची को देख रहा है वो इस बच्ची की हिम्मत की सराहना किए बगैर नहीं रह पा रहा। दरअसल बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली 10 वर्षीय रिया ने बताया कि हमारा भाई नहीं था और हम अकेले थे, जब रक्षाबंधन आता था तो बहुत निराश हो जाती थी, तब बाबा वैद्यनाथ से भाई के लिए मन
मन्नत मांगी थी जो बाबा ने पूरा कर दिया। 11 माह का भाई है जिसका नाम कान्हा है। पापा दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर जाने वाले थे, लेकिन पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए पापा की जगह मैं दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर जा रही हूँ। आप क्यों देवघर जा रहे हैं? मुझे छोटा भाई चाहिए था, इसलिए मैं देवघर जा रही हूँ। और पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया, तो उनके बदले मैं दे रही हूँ। आप कैसे जा रहे हैं देवघर? दंड प्रणाम देखे। दंड प्रणाम देखे, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही? नहीं। आप जो है, आपको भाई मिल गया? हाँ मिल गया। क्या नाम है भाई का? कान्हा। आपकी कितने साल की उम्र है? 10। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? क्लास 4। क्लास 4। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा अलल पट्टी। क्या नाम है आपके पिताजी का? डॉक्टर कुंदन कुमार। आप टर्न कहते हुए देखना जा रही है? हाँ। इतनी कम उम्र में? कोई बात नहीं, भगवान जी पार लगा देंगे। पार लगा देंगे? अब भोले बाबा जी से आप क्या मांगेगा? रिया ने बताया कि हम लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और मन्नत पूरा होने पर पापा दंडवत प्रणाम कर जा रहे थे। मेरे मन में भी इच्छा जागी कि हम भी दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार जाएं। दंडवत करते हुए जा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि बाबा से मन्नत मांगती हूं कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। वहीं माँ प्रियंका कुमारी बताती है कि मेरी बेटी ने भोले बाबा से भाई की मन्नत मांगी थी जो पूरा हो गया। मन्नत पूरा होने पर हम सभी परिवार वाले वैद्यनाथ धाम जा रहे थे, जिसमें मेरे पति डॉक्टर सुमन दंडवत प्रणाम करते हुए जाने वाले थे, लेकिन पापा की तबीयत खराब देखकर रिया ने कहा कि मैं ही दंडवत प्रणाम देकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जाऊंगी, जिसके बाद दंडवत प्रणाम देकर वो कच्ची कांवरिया पथ पर जा रही है। माँ ने कहा कि बाबा नगरी जाने के लिए रिया को मैं मना भी नहीं कर सकी, अब सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दी हूँ। रिया के मन में कैसे जगह की ये जो है दंड देते हुए बाबा नगरी जा रहे हैं, क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? भाई मांगी थी इसके लिए जा रही है, इनके पापा दंड दे रहे थे, उनका ज्यादा तबीयत खराब हो गया, एकाएक भाई हम देने लगेंगे, तो हम लोग मना किए, नहीं मानी, तो बाबा के द्वार पर जाने के लिए मना भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जा रही है। इतनी कम उम्र में जा रही है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े नहीं जा पाते, 10 साल की उम्र में रिया जा रही है। इच्छा एकाएक हुआ जाने का, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले पार लगाएंगे। भोलावा के द्वार पे जा रहे, वही पार लगाएंगे। तो भाई इनका क्या नाम है? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह
विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मिथिला में मनाए जाने वाले पर्व मधुश्रावणी को लेकर नवविवाहिता अपने घरों में शिव और गौरी की पूजा धूमधाम से कर रही है। यह पर्व 14 दिनों तक चलता है और इसमें नवविवाहिता के ससुराल से पूजन सामग्री के साथ नवविवाहिता के मायके परिवार वालों के लिए भी पकवान और वस्त्र भेजा जाता है। मान्यता है कि नवविवाहिता महिला 14 दिन तक बिना नमक का भोजन ग्रहण करती है और परिवार के साथ किसी महिला के द्वारा शिव और गौरी पर जो कथा आधारित है वो कथा सुनती है और उसके बाद नवविवाहिता नाग देवता को लावा और दूध चढ़ाने के नवविवाहिता को भाई के द्वारा पूजन स्थल से उठाया जाता है। भागलपुर के कई हिस्सों में नवविवाहिता मधुश्रावणी का व्रत कर रही है। आपको बता दें यह पर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से शुरू होता है। नवविवाहिता ने बताया कि यह व्रत हम लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से मनाते हैं। इसमें हमारे मायके के परिवार वालों के साथ ससुराल के भी परिवार वालों का भरपूर साथ मिल रहा है। हमारे ब्राह्मण में जब शादी होता है तो पहली बार सावन जब आती है तो मधुश्रावणी व्रत होता है। ये व्रत बहुत ही बड़ा है हम लोग में। ये 15 दिन का 13 दिन का 14 दिन का लगता है। जैसे जैसे तिथि होता है ना, ऐसे इस बार 14 दिन का है। तो जब 5 दिन सावन होता है तो उस पंचमी को, पंचमी दिन ये मधुश्रावणी व्रत शुरू होता है। एक दिन पहले उससे नहाए खाए होता है, नमक नहीं खाते हैं, अरवा खाते हैं। और जो दुल्हन होती है नई वाली, वो कुछ छूती उती नहीं है, पूरा नियम से रहती है। और इसमें अरवा खाना में भी बहुत नियम से रहती है। और 15 दिन का कथा होता है इसमें, और एक लेडीज ही कथ कही रहती है। जैसे पंडित जी पूजा करते हैं तो इसमें कोई पंडित जी नहीं होता है, मतलब औरत ही कथ कही होती है, उसे कथा कहते हैं। और इसमें हर चीज़ का सबसे पहले विषहरा का पूजा होता है। विषहरा का पूजा होता है तो उसमें 5 गीत होता है। सबसे पहले कथा भी विषहरा का ही होता है। उसके बाद गौरी महादेव का पूजा होता है, उसका गीत होता है, कथा होता है। बस ऐसे ही होता है। और 15 किस लिए मनाया जाता है ये पर्व? विषहरा माता का है और भोलेनाथ का है। यही बात सुहाग जिंदगी भर बनी रहे, इसीलिए हमारे ब्राह्मण में ये व्रत होता है। साल भर का इंतजार भी रहता है। साल क्या बोले? साल भर का इंतजार भी रहता है। नहीं, इंतजार ये होता है ना कि पहली बार, जैसे शादी हुआ ना तो पहली बार, और उसके बाद जब अब अगला दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो जिस दिन पहला होता है और जिस दिन लास्ट होता है उस दिन ये अरवा खाएगी। जैसे हम लोग भी खाते हैं। हाँ, लास्ट इस बार 7 तारीख को है। हाँ, कभी कभी तिथि के इस हिसाब से 15 दिन का भी पूजा होता है, कभी 13 दिन का भी होता है, इस बार 14 दिन का है। जी सर, अनीता झा। जिले के शाहकुंड प्रखंड के बुड़गांव दरियापुर में मनरेगा विभाग के द्वारा कचरा संग्रह केंद्र बनाने पर महादलित परिवार के लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद जदयू नेता महेश दास वहां पहुंचे। महादलित परिवार ने बताया कि यहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और मनरेगा विभाग के द्वारा बिना स्थल जाँच किए जमीन चिन्हित कर कचरा संग्रह केंद्र बनाया जा रहा है। कचरा संग्रह केंद्र बनने से यहां के लोगों को तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। हम लोग भूमिहीन परिवार है और हम पुश्तों से इस जमीन पर रहे हैं। हम लोगों को सरकार के द्वारा 3 डिसमिल जमीन रहने के लिए दिया गया है, लेकिन अंचल के द्वारा अब तक 3 डिसमिल जमीन का पर्चा नहीं दिया गया है। इसके लिए जिला पदाधिकारी अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं महेश दास ने कहा कि इसके लिए मनरेगा पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से बातचीत कर सारी समस्या का निदान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। शाकुंड प्रखंड में है। हाँ। तो आप लोग महादलित हैं? हाँ, महादलित। कितने परिवार हैं यहाँ? 30 घर। 30 घर है। हाँ। क्या बन रहा है यहाँ? कूड़ादानी बन रहा है। तो हाँ। आप लोग क्या रोक लगाए हैं? हाँ, रोक लगाए। क्या चाहते हैं? हम कुन्ने पर नहीं चाहते बने ले। अगर बनेगा तो क्या होगा? दिक्कत। क्या होगा? बनी जाते गंदगी लगी।
महकेगा हा? बीमारी भी हो सकता है यही ना हा? इसीलिए के रोक लगा रहे हैं। आप लोग को कागज नहीं दिया गया अंचल से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जमीन का आपका कुछ पर्चा नहीं दिया गया? कितने वर्ष कब से रह रहे हैं? हम ग्रह बहुत दिन रही तीन पूछते नहीं बाप दादा से हाँ, सब भरी कर ले, उर्दा सब भरी कर ले। लिख के दिए हैं सब पदाधिकारी को? हाँ, दिला ची। किसको किसको दिए है? जनता दरबार के लिए, जनता दरबार से वहाँ लो लिए, साकुन के लिए। जिला में भी दिए हैं? हाँ, जिले में दिए, जिला में भी दिए हैं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अब तक आपको कागज नहीं मिला है? नहीं।